फ्रेंड्स, गाड़ी को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि गाड़ी कौन से वेरिएंट की है और गाड़ी का जो मॉडल है वो बेस मॉडल है या मीडियम मॉडल है या फिर टॉप मॉडल है। तो इन मॉडल में कौन कौन से फीचर होते हैं, तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से लेके लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको पता चल जाए गाड़ी कौन से मॉडल की है, किस वेरिएंट में और गाड़ी के कौन कौन से फीचर हैं। अलग अलग गाड़ियों पर गाड़ी का नाम, कंपनी का नाम और कौन से वेरिएंट में कौन सा मॉडल है, ये सब मेंशन किया होता है गाड़ी पर। जैसे मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि मारुति सुजुकी के कार के पीछे LXI, VXI, ZXI, ZXI+, LDI, VDI, ZDI और ZDI+ लिखा होता है। इनको देखकर गाड़ी टॉप मॉडल है, मीडियम मॉडल है या बेस मॉडल है, इनमें कौन कौन से फीचर होते हैं और गाड़ी पेट्रोल या डीजल वेरिएंट में है, ये पता लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने के इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी की गाड़ियों पर LXI, VXI, ZXI और ZXI+ लिखा होता है, तो ये कारें सारी की सारी पेट्रोल वेरिएंट में होती हैं। दोस्तों, आपने पुराने मॉडल की अल्टो कार देखी होगी, उसके पीछे LX लिखा होता है, तो ये बेस मॉडल है और इसमें पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो और AC जैसे फंक्शन नहीं मिलते। जिन गाड़ियों के पीछे LXI लिखा होता है, ये स्टैंडर्ड फीचर वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें आपको पावर स्टेयरिंग, फ्रंट पावर विंडो और रियर मैनुअल विंडो मिलेंगे और AC मैनुअल मिलेगा। जिन गाड़ियों के पीछे VXI लिखा होता है, ये मीडियम मॉडल है गाड़ी का, तो इसमें आपको म्यूज़िक प्लेयर, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, AC, एयर बैग जैसे फंक्शन मिल जाएंगे। ये मॉडल फुल ऑप्शन मॉडल होता है। जिन गाड़ियों के पीछे ZXI लिखा होता है, ये पेट्रोल वेरिएंट की टॉप मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं। इनमें आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे जो VXI में होते हैं। ZXI में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे लग्जरी कॉम्पैक्ट फैसिलिटी, सेफ्टी फीचर जैसे ABS, EBD, VA जैसे, ऑटोमेटिक AC, रियर डिफोगर, ड्यूल एयर बैग जैसे फीचर मिलते हैं। मारुति सुजुकी की वे गाड़ियाँ जिनमें ZXI+ लिखा होता है, ये लग्जरी ब्रांडेड मॉडल होती हैं। इनमें वो सारे फीचर होते हैं जो ZXI में होते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिलती है, रेन सेंसर, पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, सेफ्टी फीचर, मल्टी कलर, एयर बैग, अलॉय व्हील जैसे कई फीचर मिलते हैं। फ्रेंड्स, जिन गाड़ियों के पीछे LDI, VDI, ZDI और ZDI+ लिखा होता है, ये सारी कारें डीजल वेरिएंट में होती हैं। तो पहले बात करते हैं LDI की। तो जिन गाड़ियों के पीछे LDI लिखा होता है, ये बेस मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं। इनमें आपको पावर स्टेयरिंग, AC जैसे फंक्शन मिल जाते हैं, इसमें म्यूज़िक प्लेयर नहीं मिलेगा। डीजल वेरिएंट की वे गाड़ियाँ जिनके पीछे VDI लिखा होगा, ये मीडियम मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं। इनमें आपको पावर स्टेयरिंग, AC, पावर विंडो जैसे अन्य कई फीचर मिलते हैं। डीजल वेरिएंट की वे गाड़ियाँ जिनके पीछे ZDI लिखा होगा, ये टॉप मॉडल गाड़ियाँ होती हैं। इनमें आपको पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, एयर बैग, सेफ्टी फीचर, ABS, EBD, VA जैसे फंक्शन मिल जाते हैं। डीजल वेरिएंट की वे गाड़ियाँ जिनके पीछे ZDI+ लिखा होगा, ये लग्जरी ब्रांडेड मॉडल गाड़ियाँ होती हैं। इनमें आपको मल्टी कलर, एयर बैग, अलॉय व्हील, सेफ्टी फीचर, ABS, EBD, VA जैसे, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसर, पार्किंग कैमरा, कंफर्ट और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिलती है। जो गाड़ियाँ बेस मॉडल और मीडियम मॉडल की गाड़ियाँ हैं, अगर आप इनमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाना चाहते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, तो आप लगवा सकते हैं। और जो टॉप मॉडल की गाड़ियाँ हैं, इनमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज पहले से ही कंपनी द्वारा फिटेड होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।